तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से काइट फाइटिंग करने के लिए छत पे आ गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग की पतंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी पतंग लेकर आए हैं, सब कन्ने बांध कर अभी अभी। यहाँ आप लोगों को मंजा दिखा देते हैं, आज कौन मंजे से हम लोग यहाँ काइट फाइटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए ये गट्टू है, यहाँ 300 रुपये का मिलता है। यहाँ हमारी सद्दी, तो चलिए लड़ाते हैं पतंग। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पहली पतंग बढ़ा ली है, वो भी मंजे बांधकर। ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी पतंग। आज हवा भी काफ़ी तेज़ है, मौसम देख लीजिए आप, बारिश वाला बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा पतंगें आज उड़ नहीं पा रही है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए लोग डर रहे हैं पतंग उड़ाने से। यहाँ पे उस दिन तो पतंग नहीं उड़ पाई थी, बारिश हो गई थी, तो उसके दूसरे दिन यहाँ पे हम लोगों ने पतंग बढ़ा ली है। और यहाँ पे आज आपको काइट फाइटिंग करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आज हमने एक काली पतंग बढ़ाई हुई है और यहाँ पे पन्नी वाले से पेच होने जा रही है। दिखाते हैं आप लोगों को कैसे पतंग काटी जाती है। यहाँ पे हमारी काका चली पतंग पन्नी वाली पतंग से उड़ने जा रही है। यहाँ पे हमारे छत से बड़ी है यहाँ पर पन्नी वाली पतंग, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मस्जिद के बगल से एक पतंग बहुत ही अच्छी कागज वाली उड़ गई है। अब उससे पेच लड़ा के आपको बताते हैं कि पैसे काटा जाता है पतंग। यहाँ पे चलिए हम पेच लड़ाते हैं, देखते हैं काटते हैं या कट जाते हैं। यहाँ पे हम नीचे से जा रहे हैं और वो ऊपर से आ रहे हैं, और नीचे से जाकर हमने बहुत तेज से खींच दिया और उसने ढील छोड़ दी थी, पर हमने फिर से खींचा और करके आखिरी में उसकी पतंग कट ही गई। और यहाँ पे हम लोगों ने पहली पेच काट दी है, तो चलिए देखते हैं अब दूसरी पेच। उसको हमने चिपकाने की कोशिश की पर वो पतंग चिपटी नहीं। यहाँ पे अब हम कागज वाली से फिर से पेच लड़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम नीचे से थे और उसकी पतंग खींचते ही साथ ही उसकी पतंग कट गई। अब चिमटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो पतंग चिमटती है या नहीं। यहाँ पे हमने कागज वाली भी पतंग बढ़ाई है, उससे भी चिमटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम नीचे से आए और उस पतंग में हमने फंसा लिए, पर वहाँ पे जब हमने चिमटा रहे थे तो आगे से किसी ने एक पतंग पकड़ के डोर खींच लिया, जिसकी वजह से वो पतंग कट गई है। पर हमारी पतंग तो कैदो बच गई, वरना हम लोग की भी जा सकती थी। यहाँ पर यही बीच पन्नी वाली पतंग भी कट गई है, हम उसको चिमटाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ही जल्दी पेच लड़ गई थी, और यहाँ पे हमने उसे चिमटा लिया और यहाँ छत पे पट हो गई है। देखते हैं वो पतंग आती है या नहीं। वो पतंग आ नहीं पाई क्योंकि उसमें वहाँ छत पे बहुत ही ज़्यादा कबाड़ रखा था, जिसकी वजह से वो पतंग वहीं पर फंस गई है। पर हमारी पतंग आ चुकी है। यहाँ बहुत ही बच्चे देखिए लूटने के लिए बाहर सब लाइन लगाए खड़े हैं, और इन्होंने ही काटी वो पन्नी वाली पतंग को। अब आगे जा रहे हैं, एक लाइन से पतंग बढ़ी हुई है दूर पे, उससे भी पेच लड़ा के आपको दिखाएंगे। यहाँ आगे से पतंग बढ़ चुकी है, उससे हम पेच लड़ाने जा रहे हैं, देखते हैं उससे काट पाएंगे या कट जाएंगे। वो आगे से है, यहाँ पे हम ऊपर से जा रहे हैं और वो ढील छोड़ दिया था। यहाँ पेच लड़ने के लिए तैयार है दोनों लोग। उसको आगे से पतंग बढ़ी हुई है बहुत, पर वो लंबी बहुत कम कर रहा है। यहाँ पे हमने बहुत डोर सारी डोर दी है, काट के चिमटाना भी है, और यहाँ पे वो बहुत ही तेज हिचकी आ रहा था। हमने थोड़ा सा जैसे उसने नीचे आड़ी लगा दी और उसकी पतंग छूते ही कट गई। हमने